आज से आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। आखिरकार पार्टी पे एक इल्जाम जो कलंक की तरह बरसों से लगा हुआ है, उस इल्जाम के तीर को नीचे गिराते हुए पार्टी अपने संगठन में सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वंशवाद पर चलती है। गांधी परिवार के अलावा इस पार्टी को कुछ नजर ही नहीं आता। इस पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह के इल्जाम विपक्षी दल कांग्रेस पर लगाते आए हैं, लेकिन अब इन इल्जामात से डील करने का भी यहां पर तरीका निकाल लिया है कांग्रेस हाईकमान ने, क्योंकि अब पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी तो है नहीं, अब एक गैर गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी की कमान एक महिला नेता के हाथ में जाने वाली है, प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका की आंधी इस बार सब कुछ तहस नहस करके रख देगी, ये नारा लगाया गया था, लेकिन जब नतीजे निकल कर आए तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे। अब इन सबके बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा पर पार्टी लेने वाली है बड़ा फैसला। अब तक जो जिम्मेदारियां राहुल गांधी के हाथों में थी, अब तक जो ताकत राहुल गांधी के पास थी, वो राहुल से हटकर प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में जाने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। बता दें आपको, उपाध्यक्ष पद जो है ये बनाया ही राहुल गांधी के लिए गया था। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तब उपाध्यक्ष का पद राहुल गांधी ने संभाला, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यह पद दिया जाने वाला है। बता दें आपको, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सबसे ऊपर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत उपाध्यक्ष के पास होती है, और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम फैसले लेने के अधिकार प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में जाने वाले हैं। प्रियंका गांधी जिनमें जनता को इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, प्रियंका गांधी जिनके इंदिरा गांधी होने का दावा कांग्रेसी नेता करते हैं, अब आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिलने वाली है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसे ध्यान में रखते हुए इन्हीं चुनावों के मद्देनजर ज्यादा देर ना करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा पर पार्टी लेने वाली है बड़ा फैसला। एक महिला नेता कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जगह लेने के लिए तैयार है, राहुल गांधी की तरह फैसले लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस के लिए यकीनन ये बदलाव का समय है, और ये बदलाव किन किन जगहों पर होने वाला है, किस किस तरह से होने वाला है, देखिए जरा। नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार चर्चा में बनी हुई है। पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, ये सवाल जनता के जहन में उठ रहा है। और इन सबके बीच आपको बता दें, राहुल गांधी से आगे जाती हुई पार्टी की कमान एक महिला नेता के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि अब पार्टी की नए अध्यक्ष एक महिला बनने वाली है। जिस महिला के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, वो दरअसल इस पार्टी की सबसे ताकतवर महासचिवों में शुमार प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो अब कांग्रेस की नई पावर सेंटर बनने जा रही हैं। बता दें आपको, कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाए जाने पर अब सोच विचार जोरों शोरों से होने लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर पार्टी अध्यक्ष नहीं भी बनाती, तो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की जाने की सारी तैयारियां होती जा रही हैं। ऐसा करके पार्टी एक तीर से दो निशाने लगाने वाली है। एक तो अध्यक्ष के पद पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा ही चाहते हैं। दूसरा, परिवारवाद की मोहर पार्टी से हट जाएगी। वहीं पार्टी के परोक्ष तौर गांधी परिवार का रुतबा पहले की तरह कायम रहेगा। गौर हो कि राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं, जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में पार्टी की सारी पावर दे दी जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का नया पावर सेंटर बना दिया जाएगा। बता दें आपको, प्रियंका को अब महासचिव के पद से प्रमोशन देकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाने वाला है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई अहम और ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी भी जानकारी मिल पाई है, उसके आधार पर आपको बता दें, पार्टी के अहम फैसले लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी दी जाएगी। पावर सेंटर वो पार्टी की होंगी, और पार्टी के अहम फैसले पावर सेंटर के जरिए ही लिए जाएंगे। इसके जरिए पार्टी विपक्ष, खासतौर से भाजपा के गांधी परिवार का पार्टी पर कब्जे के आरोपों से बच जाएगी।
सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका वैसी ही रहेगी जैसे सोनिया गांधी के दौर में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बन जाने के बाद थी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष एक तरह से अपनी सभी शक्तियां उपाध्यक्ष को ट्रांसफर कर देता है, जिसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी से जुड़े तमाम बड़े फैसले लेंगी। बता दें आपको, 2013 में पहली बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद राहुल गांधी के लिए सृजित किया गया। अभी तक इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी राहुल गांधी ही रहे हैं। 2017 में जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद से लेकर अब तक यहां इस पद पर यानी पार्टी उपाध्यक्ष के पद पर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर किसी और को नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद आगे पार्टी जाएगी, ये रणनीति पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बनाई है और इसी रणनीति को आप सब CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद जनता के सामने पेश होते हुए देखेंगे। जितनी बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है, इस बुरी हालत से पार्टी को निकालने के लिए ही इस तरह के तमाम रणनीति बनाई जा रही है, इस तरह के तमाम पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में पार्टी की कमान देकर कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने की तैयारी में है। देखना होगा पार्टी का यह नारा कितना सफल साबित होता है।